बहुत घटिया इल्जाम ओपोजिशन वालों लगाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के अगर साडा मैनीफेस्टो मैं कहना पे अगर जो मैनीफेस्टो पूरा हो गया तो कितने कितने जो प्रधान इतने यूनिवर्सिटी के मौजूद सगा वो सारे काम उन्हें करवाए ने तो ही मैनीफेस्टो पूरा होया। अज भी बड़ी शर्म की गल यूनिवर्सिटी के पानी की बड़ी ज्यादा समस्या आती भी कई बार दो दो दिन पानी नहीं आता बाहरों वाटर टैंक मंगवाने पैंदे ने। बड़ा ज़्यादा संघर्ष करके बड़े लोगों को कॉम्पीटिशन पिछे छड़ के यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। अगर इन्होंने भी अगे जाके अपना करियर सिक्योर नहीं दिस रहा है तो उसके लिए मैं कहना कि बड़ी शर्म की गल है। सत श्री अकाल, द समर न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत, मैं शालू मेरा। पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन हमेशा ही हर किसी दी नजर इन इलेक्शन से बनिया होंगी है क्योंकि विद्यार्थी चोणा ही अगे जा के विद्यार्थियों का जिते भविख तय कर दी है उत्थे साडे सियासतदाना का भी भविख कि ना कि इन्हां दे नाल मिलिया जुलिया हुंदा है। तो हुण 2023-24 दी तैयारियां जिहड़ियां ने चल रही ने, 6 सितंबर नूं इलेक्शन होने ने ते CYSS दे वल्लों अपना मैनीफेस्टो जिहड़ा है 23-24 दा उह जारी किया गया है। ये मैनीफेस्टो दे विच की कुछ इन्हां दे वल्लों जारी किया गया इस बाबत भी गलबात करांगे। तो पिछला जिहड़ा मैनीफेस्टो सी क्योंकि CYSS दा प्रेजिडेंट रहा है आयुष खटकर तो उहदे विच की कुछ फुलफिल किया गया उस संबंधी रिपोर्ट कार्ड लैना भी जरूरी हुंदा। नवल साडे नाल ने, नवल पहला तो मैं रिपोर्ट कार्ड की ही गल करांगी, नवे मैनीफेस्टो ते असीं बाद चाहोंगे, पुराने मैनीफेस्टो दे विच की कुछ फुलफिल। मैं तुहाडे सवालों का जवाब नाल लैके आया जी अपनी एनुअल रिपोर्ट दे नाल कि पिछले साल CYSS पहली बारी कौंसल दे विच आई सी। जिहड़े वादे CYSS ने किए उन्होंने सब तो अहम वादा सीगा CYSS उदा ही काम करती है जिवें आम आदमी पार्टी बाहर स्टेट दे विच काम करती पई है। आम आदमी पार्टी ने साडे लोगों की पोलीटिकल थिंकिंग ही चेंज कर दी है, डिवेलपमेंट की गल करनी शुरू की, अच्छे हैल्थ सैक्टर की गल करनी शुरू की, अच्छे एजुकेशन सैक्टर की गल करनी शुरू की। उत्थे CYSS ने भी यूनिवर्सिटी के जिहड़े मुद्दे पहला चलते पे सीगे कि तुहानू गैसट बेसिस से होस्टल दवा देवे जां तुहाडा फाइन माफ़ करवा देंगे, इन्हां मुद्दों तो हटा के गल की जाके कि साडी यूनिवर्सिटी के नवे होस्टलों की जरूरत है। यूनिवर्सिटी के दो नवे होस्टल असीं वादा किया बनवावांगे तो 49 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी के साडे CM साहब वालों पिछले दिन पास किया गया जिदे आ दोए बकायदा अथॉरिटी लैटर नाल ने। और इस तो इलावा यूनिवर्सिटी के आ जिहड़ा स्टूडेंट सेंटर तुसीं वेखदे पए हो इहदी हालत बहुत खस्ता हालत सी, इहनूं ब्यूटीफाई करवाया सी बकायदा धरने ते बैठे 4 दिन यूनिवर्सिटी के। और ये इल्जाम लगते रहे ने ओपोजिशन वालों कि कितने नैक करके ये चीज़ हो गई है। ये चीज़ अक्सर यह सवाल उठता है कि ब्यूटीफिकेशन उदों हुंदी है जदों नैक की टीम ने आना हुंदा है कि अगे पिछे इत्थे स्टूडेंट्स नहीं हुंदे। मैं यही इसे मुद्दे ते आना पिया कि यूनिवर्सिटी के इस तो पहला बड़िया स्टूडेंट काउंसलों भी आईया ने, बड़िया पोलीटिकल पार्टिया काउंसलों भी इतने यूनिवर्सिटी के आईया ने, नैक की विजिट भी इस तो पहला 2 बारी हो चुकी है। उदों स्टूडेंट सेंटर किसी ने क्यों नहीं दिसया है, साडे मैनीफेस्टो के स्टूडेंट सेंटर की ब्यूटीफिकेशन हैगी सी मगर पै के असी ये काम करवाया। अब बकायदा जिहड़ा छोटा लैटर है ये इसे ये आयुष खटकड़ बकायदा 4 दिन उत्थे भुख हड़ताल के उत्ते यूनिवर्सिटी के बैठा सी जिदे स्पैशल स्टूडेंट सेंटर के ब्यूटीफिकेशन का मुद्दा सी पास करवाया सी ते स्टूडेंट सेंटर नूं ब्यूटीफाई करवाया। अगर नैक ने A++ ग्रेडेशन यूनिवर्सिटी नूं देती है यदि ब्यूटीफिकेशन वेख के तो यह चीज़ हजम ही नहीं हो रही ओपोजिशन तो वह उस चीज़ नूं नैक दे नाल जोड़ते पए ने कि ब्यूटीफिकेशन तो हो ये नैक। मैं कहना ग्रेडेशन वधिया तां मिली जे स्टूडेंट सेंटर ब्यूटीफाई होया सी ते सिरा CYSS नूं कितना कितने आउंदा है जी। सिक्योरिटी नूं लैके अक्सर सवाल हुंदे ने कि यूनिवर्सिटी दे विच क्योंकि बच्चे जिहड़े घरों आउंदे आ होस्टलां दे विच जिन्हां ने रहना हुंदा सिक्योरिटी जरूरी हो जाती है चाहे गर्ल्स होन चाहे बॉयज़ होन। पर पिछे जो इंसीडेंट होया सी गर्ल्स होस्टल दे विच एक लड़का चलिया जांदा है ये भी जरूर थोड़ी पार्टी ते सवाल खड़े हो रहे ने। प्रेजीडेंट CYSS दा सीगा पर जदों ये इंसीडेंट हुंदा है CYSS दे प्रेजीडेंट पंजाब दे विच मौजूद नहीं हुंदे, यूनिवर्सिटी दे विच मौजूद नहीं हुंदे। मैं कहना जी यह एक बहुत घटिया इल्जाम ओपोजिशन वालों लगाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी दे विच अगर साडा मैनीफेस्टो मैं कहना पे अगर जो मैनीफेस्टो पूरा हो गया तो कितने कितने जो प्रधान इतने यूनिवर्सिटी दे विच मौजूद सीगा उहदे सारे काम उन्हें करवाए ने तां ही मैनीफेस्टो पूरा होया। यूनिवर्सिटी के इदा सिक्योरिटी लैब्स बड़ी बारी हुए ने, कला यह नहीं कहता कि कुड़ियों के होस्टल के मुंडा वड़ गया सीगा, यूनिवर्सिटी के लैपटॉप चोरी हुए, कारां खड़ियां पार्किंग दे विच उन्हां च बैटरियां चोरी हो जांदियां सीगियां तां यूनिवर्सिटी के जिहड़ा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उहदे खिलाफ़ बकायदा एक बड़ा तगड़ा संघर्ष आयुष खटकड़ ने चलाया सीगा। यूनिवर्सिटी के नवी रिक्रूटमेंट जे साडे सिक्योरिटी ऑफिशल की हो रही है वह आयुष की बदौलत ही हो रही है। अगर उन्हें यह मुद्दा चक्या सीगा कि यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी लैब्स हो रहे हैं, कला इधर नहीं साउथ कैंपस के भी इदा बहुत मुद्दे चलते पे ने कि यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी लैब्स करती पी है। ये मुद्दे आयुष ने बखूबी तरीके नाल चुके और हल भी करवा रहा उन्होंने। अच्छा, हुण नवें अगर मैनीफेस्टो की असीं गल करिए कुछ मेन एजेंडे की लैके चल रहे हो?
नवा मैनीफेस्टो दे विच मैं जिदा कहा कि यूनीवर्सिटी दे विच असी हमेशा यूनीवर्सिटी के स्टूडेंटों तो मुद्दे लैके आने ग्राउंड दे विच रहने क्लासां दे विच रहने लैबां दे विच जाने और जिहड़े मुद्दे सानू यूनीवर्सिटी दे लई सब तो ज़्यादा जरूरी लगे ने पिछले साल जिहड़े मुद्दे असी हल करवाए ने उन्होंने तो इलावा यूनीवर्सिटी दे विच असी आउने आ पढ़न आने तां करियर बहुत वड्डा सवाल हुंदा कि पढ़ाई तो बाद अगे की तो सब तो पहली चीज़ जिहड़ी असी वेखदे आ उह हुंदा कि बंदा यूपीएससी की तैयारी करे जुडिशरी की तैयारी करे तो उहदे विच यूनीवर्सिटी के कोचिंग सेंटर है जिहदी 24-25 हज़ार रुपया फीस लगती है वो पूरे तरीके असी फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी तैयारी करवावांगे पंजाब सरकार तो स्कॉलरशिप फुली स्कॉलरशिप यूनीवर्सिटी के स्टूडेंट नूं दवावांगे। दूसरा जिहड़ा वड्डा मुद्दा है वह यूनीवर्सिटी के होस्टलों के जिहड़े जिम ने बड़े आउटडेटेड हो गए हैं फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है यूनीवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और असी हाईली इक्विप्ड वधिया जिमनीजियम फिटनेस सेंटर सारे होस्टलों के लैके आवेंगे। तीसरी जिहड़ी चीज़ सी वो हैगी है कि यूनीवर्सिटी मैस कंटीन बहुत आउटडेटेड ने हजे भी वो सरकारी पक्खे लगे ने उन्होंने अग्रारियां आवाज़ कर दें असं चाहते हैं कि यूनीवर्सिटी का बड़ा उच्चा रुतबा है बड़ा वड्डा नाम है यूनीवर्सिटी की जी मैस कंटीन ने फुली एयर कंडीशन होनी चाहिए ने सारिया मैस कंटीन एयर कंडीशन करवावे। साउथ कैंपस के अज भी बड़ी शर्म की गल यूनीवर्सिटी के पानी की बड़ी ज़्यादा समस्या आती भी कई बार दो दिन पानी नहीं आता बाहरों वाटर टैंक मंगवाने पैंते हैं परमानेंट कंस्ट्रक्शन करवावांगे वाटर टैंक स्टोरेज दी यूनिवर्सिटी दे विच साउथ कैंपस दे विच तां कि इहदा परमानेंट सोल्यूशन हल कीता जाए। क्यों नहीं होया थोड़ा प्रधान सी मैं कह रहा कि पिछले साल का मैनीफेस्टो सारा पूरा करवाया इस साल जिहड़े सानू सारे मुद्दे दिसे ने जरूरी है कि सिर्फ मैनीफेस्टो तक असीं सीमित रहिए उस तो इलावा क्योंकि यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट्स दे प्रॉब्लम्स बखूबी जानदे हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम बखूबी यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंटां दे मुद्दे दे उत्ते ही असीं रहिंदे आ मैनीफेस्टो तो बाहर रह के भी कई काम करने जरूरी हुंदे ने उहदे विच्चों एक सिक्योरिटी नूं लैके जिहड़ा तुसीं मुद्दा कहो साडे मैनीफेस्टो दे विच नहीं सी पर फिर भी असीं उस मुद्दे दे उत्ते काम कीता है उहदा हल वी करवाया नवीं रिक्रूटमेंट वी यूनिवर्सिटी च करवा रहे हैं। इह मुद्दा जदों गर्मियां दा सीजन आउंदा पानी की समस्या उदों सामने आई सी वाई एस एस पहली बार कौंसल दे विच आई सी गर्मियां दा सीजन इस बार असीं ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਪੈਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। सब तो वड्डा सवाल तुसी जिदा एजुकेशन की गल कर रहे थे कि बच्चे फ्यूचर के अगे जाके की करेंगे बच्चों के लिए सब तो वड्डी समस्या होंगी है पर असी हुण भी देख रहे हैं चाहे तो पहली गल तो स्कूल तो बाद यूनिवर्सिटी बच्चा आना नहीं चाहता जे कोई आ भी जाता है तो उन्होंने अगे अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता तो हर कोई बाहर उडारी मारन तैयार है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਈਏ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸਿਕਿਓਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲੀਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ UPSC ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ CYSS ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ CYSS ਤੋਂ ਕੋਈ CYSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ CYSS ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ CYSS ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ CYSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਰ CYSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
आपका एक पोलीटिकल करीयर बनाने की कोशिश की, कुछ पोस्टा की डिमांड साढ़े सामने रखी। सानू कितना कितने लग्या कि ये चीज़ मतलब साड़ी पार्टी की विचारधारा तो हट के आता, जो उन्होंने धड़े दे विच्चों मजबूत दावेदार सी उन्हूं उहदी अगवाई करन लई उस उन्हूं अपॉइंट भी किया गया। तो जित्त नाराज़ हो के पिछले साल ही साड़ी यूनिवर्सिटी के विच्चों सी वाई एस एस तो अलग हो गए से, हुण नहीं सी होए गए वो अपने इवनिंग डिपार्टमेंट के विच किसी होर पार्टी का नुमाइंदे ने, और हुण अगर उन्होंने कोई अलग जथेबंदी बना भी ली है तो सी वाई एस एस के वलों नहीं, उस ईवनिंग वाली जथेबंदी छड्ड के आए हैं। सी वाई एस एस दे विच कोई रोल नहीं है जी। पर्टिकुलर परसन की वैसे मैं नवल गल नहीं कर रही थी, मैंने लगता तुम एक पर्टिकुलर परसन की गल कर रहे हो, सिर्फ एक बच्चा नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी के किन्ने स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, तो कई स्टूडेंट्स की गल होंगी है क्योंकि कई बच्चे नहीं भी सहमत हो पाते होंगे। बिल्कुल मैं मानता कि हाँ कई बार साढ़े जरा देश के दे राजनीति इस तो पहला हुई है, आम आदमी पार्टी के इतने आने तो पहला वो राजनीति चलती होंगी सी, धर्म के नाते जाति के नाते खेत्रवाद के नाँ उत्ते राजनीति चलती थी, पर जदों की आम आदमी पार्टी यूनि अपने देश के दे आई है तो इन्हें राजनीति का रूप ही बदल के रखता, डिवेलपमेंट की गल करनी शुरू की, अच्छे हेल्थ सैक्टर की गल करनी शुरू की, अच्छे एजुकेशन सैक्टर की गल करनी शुरू की, पर फिर भी कितने ना कि पुरानी विचारधारा के नाल कई लोग अजे भी अड़े पे ने जिहड़े धर्म की राजनीति खेत्रवाद की राजनीति जातिवाद की राजनीति लेवल ते तां नवल ओ चीज़ां नहीं होनियां चाहीदियां। इतने लैके आ रहा कि पिछले साल साड़ी जिहड़ी ओपोजिट पार्टी सी ABVP उन्हें यूनिवर्सिटी के शरेआम नारे लवाए सी, जय श्री राम भगवान लहराएगा, भगवान राम साढ़े भी सांझे ने सारे दे बड़े मतलब परमात्मा के तौर पर उन्होंने इज्जत हैगी साढ़े लिए, पर उन्होंने उत्ते कल उन्होंने हक तो नहीं, यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंटों के उन्होंने उत्ते हक है कि तुम इस तरह के नारे लगा के यूनिवर्सिटी के साबित की करना चाहते हो। इस तरह की विचारधारा मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा प्रफुल्लित होना चाहिए, धर्म निरपक्ष देश है साडा, ये हर एक बंद अगे वन फुलों का भी हक है, तो सानू एक सैकुलरिज्म प्रमोट करना चाहिए यूनिवर्सिटी के। आउटसाइडर्स लैके पिछले दिन भी असी हंगामा देखा होया है कि आउटसाइडर्स क्यों यूनिवर्सिटी, वैसे लगता भी है कि आउटसाइडर्स का काम आई थिंक नहीं होना चाहिए, जो इलेक्शन यूनिवर्सिटी के ने बच्चों के मुद्दे ने बच्चों की गल होनी है तो फिर बच्चों ही लड़ना चाहिए, आउटसाइडर्स क्यों आते? आउटसाइडर नहीं आना चाहिए यूनिवर्सिटी के, आउटसाइडर की टोटल एंट्री बैन होनी चाहिए, असं भी मानते हैं, पर अगर साढ़े MLAs की गल करते हैं तो बकायदा एज ए MLA यूनिवर्सिटी के नहीं से आए गए, उन्होंने बकायदा CYSS आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग है, तो पार्टी वालों किसी की एज ए प्रभारी ड्यूटी लगी हुई है, तो नवी ज्वाइनिंग्स अगर यूनिवर्सिटी के हो रही ने तो उपर कंटीन के बैठ के उन्होंने वो ज्वाइनिंग करवाइया ने, इस तो इलावा उन्होंने कोई रोल नहीं है, आउटसाइड एज ए आउटसाइडर नहीं काम कर रहे, वो साड़ी आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग का संगठन का एक पार्ट ने, और एज ए पार्ट उन्होंने एज ए प्रभारी यूनिवर्सिटी के अपना रोल प्ले किया, उस तो इलावा वो कि कंपेन के जा रहे हैं ज बाहर क्लासों में कंपेन करते पे ने। हूँ अगे फ्यूचर हाले कुछ दिन पे हुए हूँ इलेक्शन के, उम्मीद करते हैं कि कोई आउटसाइडर नहीं आऊगा। आउटसाइडर यूनिवर्सिटी के मैं कहना गेटों के उत्ते चैकिंग होनी चाहिए, जिन्हें आउटसाइडर ABVP की ये जिस दिन अनाउंसमेंट हुई सी जिन्हें उद्दे आए ने उन्हें आउटसाइडर अज तक के इतिहास से नहीं आए गए। इंक्लूड कर रही हूँ MLA XMLAs मिनिस्टर XMinister सारे की गल कर रही हूँ। ये सवाल मैं कहना सारिया पार्टियां से उठना चाहिए, पर मैं कहना कि अगर आम आदमी पार्टी के लीडर यूनिवर्सिटी के इंट्रस्ट लेंदे पे ने तो ही असं एनुअल रिपोर्ट सामने तुहाडे विखाण जोगे हो, इत्थे फोटोआं जे लगियां ने तो इन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए अपने दरवाजे हमेशा खोले ने, इस यूनिवर्सिटी अपने मतलब जरूरत सीगी इस टाइम के उत्ते सरकार इत्थे अपना हक दिखावे अपना हक जितावे जो कि पिछलियां सरकारां नाकाम रही ने, अगर साडे लीडर इत्थे आए ने तो इस यूनिवर्सिटी का फायदा किया, साडे कैंपस का फायदा होया, तो मैनू नहीं लगता कि स्टूडेंटों इस चीज़ तो कोई समस्या है, पर ओपोजिशन पार्टियां ही इस चीज़ को मुद्दा बनाउंदियां पईयां ने, स्टूडेंटों का मुद्दा नहीं है, स्टूडेंट सगों मैं कहना जिन्हें खुश स्टूडेंट ने कि साड़ी पंजाब सरकार ने यूनिवर्सिटी दे नूं मतलब इन्ना कुछ मुहैया करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स दिल खोल के वेलकम करते पैने उन्हां दा। हर्ज भी की है अगर इलेक्शन के दिनों अगर नहीं सियासतदान आएंगे तो कला इलेक्शन नहीं होंदा जी यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी 365 दिन खुलती है, 365 दिनों के इन कंटीना के उत्ते पता नहीं किन्ने लोग खाना खाने आते हैं, तुसी पर्टिकुलर कुछ लोगों को ही फोकस क्यों करते पे हो, वो नुमाइंदे ने साडे चुन के आए हुए ने, अगर इस यूनिवर्सिटी की आवाज़ अज के टाइम आवाज़ चकना माड़ी गल तो नहीं गई, यूनिवर्सिटी के मुद्दों के उत्ते ही गल करते पे हाँ, अगर कोई नुमाइंदा यूनिवर्सिटी के मुद्दों की गल करता पे है तो मैनू नहीं लगता कोई हर्ज होना चाहिए यूनिवर्सिटी के आके, इस तो पहला यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज होने का
प्रोटेस्ट चले है, असी भी उस प्रोटेस्ट के शामिल हुए थे। बड़िया किसान जथेबंधियां इस प्रोटेस्ट के आई सगिया, बड़े सारे लोग उठ के आए थे, आस पास के पिंड इतने उठ के आए थे। अगर वो लोग यूनिवर्सिटी का साथ ना देंगे तो कितना कित आर एस एस ने यूनिवर्सिटी साढ़े इतों खो के लै जानी सी। 365 दिनों की गल कर रहे हो, मैं उही कह रही हूँ जेकर इलेक्शन के चार दिन च ना आने तो मैं लगता नहीं कि कोई नुकसान वध हो जाएगा, बाकी दिनों च आन वाकई आन चंगा है बच्चों के फ्यूचर बारे सोच रहे हैं। इलेक्शन उन्होंने आने नाल प्रभावित नहीं होंगे, सगों थानू ये गल थोड़ा ये जड़े मुद्दे यूनिवर्सिटी के ने सरकार के नुमाइंदों को उन्होंने दिनों के सामने पूछ सकते हो। सानू सौख होंगी है उन्होंने तो कोई काम पूरा करवाने के, अगर वो आते हैं उदो मीडिया या ओपोजिशन सामने मुद्दे रखती यूनिवर्सिटी की, तो मैं कहना सरकारी नुमाइंदों तो सरकार के नुमाइंदों तो वो काम करवाने साढ़े लिए सौखे होंगे ने, डिस्कशन हो जाती बिल बिल्कुल मैं वेलकम करना चाहिए सगों उन्होंने आने लिए इतने। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल नवल साढ़े नाल सी, नवा सी वाई एस एस के वालों मैनीफेस्टो जो 2023-24 का जोड़ा है वह जारी किया गया है, जिस जे मुख एजेंडे नवल ने दसे है वह रखे गए हैं। तो खैर वेखना होएगा क्योंकि पहला भी सी वाई एस एस का प्रेजीडेंट रहा है, सवाल बच्चों के वालों ही खड़े किए जा रहे हैं कि साडा प्रेजीडेंट सानू यूनिवर्सिटी के नज़र तक नहीं आता सी जिसनों असं अपन प्रॉब्लम्स दस सकी, तो हूँ आने वाले समय के बच्चे किस के नाम के उत्ते मोहर लगाते हैं, कौन नवा प्रेजीडेंट बनता है, कि पार्टी जेतू रही है, यह जे नतीजे ने 6 सितंबर सब के सामने होंगे। कैमरा परसन गुरविंदर के नाल शालू मिरोग चंडीगढ़।